मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ पीछे की तरफ, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम है आज और काफ़ी तेज़ धूप खिलने वाली है और बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत सही चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आजकल मैं घर पर ही हूँ क्योंकि मम्मी बीमार है, अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, बीच में ठीक होते हैं, बीच में थोड़ा सा और बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, दवाइयाँ भी प्रॉपर चल रही है, तो सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखते हैं कितने टाइम बाद रिकवर होते हैं। अगर ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो वैसे तो डॉक्टर से भी बात चल रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल लाने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन बीच बीच में चली रहती है। तो आप डरिए नहीं और दवाइयाँ प्रॉपर खिलाते रहे तो रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टास्क है, आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे देसी सिड्डू। तो सिड्डू कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने भी मम्मी से सीखा है। तो सिंपल सिड्डू बनाएंगे, तो उसमें कुछ मिक्स अंदर से डालेंगे नहीं हम, तो बाद में हम उसको घी के साथ भी खाएंगे। तो सिंपल सिड्डू आज जो आपको बनाना सिखाऊंगा, कि जो हमारी लोकल रेसिपी है, तो काफ़ी मशहूर है हमारे यहाँ पर भी सिड्डू, पर ज़्यादा लोग तो बनाते नहीं है। वैसे जो हमारे नज़दीकी एरिया जैसे कोटखाई जुबल वगैरह जो हो गया, तो इस एरिया में सिड्डू का बहुत ज़्यादा चलता है। तो चलिए दोस्तों आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं बनाकर कि किस तरह से सिड्डू बनाए जाते हैं और उसका स्वाद कैसा बनेगा। मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं बना रहा हूं, तो बीच बीच में बनाता रहता हूं, थोड़ा बहुत मम्मी से मैंने सीखा है। तो चलिए दोस्तों बने रहना इसके इस व्लॉग में और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये है हमारा स्टीमर, तो ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम पानी डालेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये हमारा तैयार रहेगा, तो ये हमारा स्टीमर है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास ऑयल है, तो थोड़ा सा हाथ में लेकर आप ऑयल हाथ में ले और इसके नीचे वाली साइड में लगा लें और थोड़ा सा साइड में भी लगा लें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिड्डू बना इसमें डालेंगे तो वो इसमें चिपकेगा नहीं, तो तेल के सारे से वो निकल जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें तेल लगाइए अच्छे से, इस तरह से लगाना होता है। तो मैंने भी मम्मी से सीखा है थोड़ा बहुत, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं सही तरीके से बना रहा हूँ। तो ये मैंने आटा गूंद रखा था इसमें, तो शाम को ही थोड़ा सा ये जाम हो रखा है, बिल्कुल जाम हो रखा है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा हल्का करेंगे इस तरह से गूंद कर, इस तरह से गूंद कर हल्का करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बनाकर दिखाते हैं आपको सिड्डू। तो थोड़ा सा आप हल्का सा तेल लगाइए अपने हाथों में इस तरह से और पी लीजिए। मुझे ज़्यादा बनाना तो नहीं आता है, फिर भी थोड़ा बहुत सीखा है, उसी तरीके से ही मैं बनाऊंगा इसको। तो छोटे छोटे सिड्डू बनाऊंगा मैं, ज़्यादा साइज बड़े साइज के नहीं बनाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए जी, ये हमारा पहला सिड्डू बन गया है। ये देखिए इस तरह से बनाना होता है, जितना भी आटा है, तो इसके हम आज सिड्डू बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ मिक्स करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो इसमें मिक्स करने के लिए हम लोकल जैसे हमारे तिल हो गया और बंगजीरी, तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मम्मी ने कहाँ रखी है, तो अभी मम्मी जब खुद ठीक नहीं है तो मम्मी से क्या पूछना, मम्मी को खुद ही याद नहीं है, तो इसलिए मैं सिंपल बना रहा हूँ सिंपल सिड्डू। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने सिड्डू सही बनाया या नहीं। तो ये हमारा देसी पकवान है, तो ये देखिए 2 सिड्डू बना दिए हैं, इसमें 4 से 5 सिड्डू आएंगे। जो ये आटा मैंने पहले ही शाम को गूंद कर रखा था, तो थोड़ा सा जाम हो रखा है, क्योंकि ठंड के वजह से आटा जाम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है सिड्डू, जो हमारा लोकल पकवान है। तो वो मैं आज बना रहा हूँ,
ये देखिए दोस्तों, आप भी अपने घर में इस तरह से सीलू बना सकते हैं जिन लोगों को बनाना हो, और जिसको हम और ज़्यादा बेटर सीलू बनाना आता है कि और अच्छे किस तरह से बनाए जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी आप लोगों से सीखने को मिले कि किस तरह से सीलू बनाए जाते हैं। ये देखिए जी दोस्तों, हमारे सीडू बन रहे हैं। तो आज का जो हमारा टास्क है, तो आज है हमारा टास्क सीडू बनाने का। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप सीडू बनाते रहिए। और मैंने भी थोड़ा बहुत मम्मी से सीखा है, ज़्यादा तो नहीं आता मुझे, फिर भी जितना आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो सीडू हमारे बन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इसके बाद इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये हमारे सीडू अभी तैयार हो चुके हैं। तो इसमें पानी डालने के बाद इसमें कुछ खट्टी चीज़ें डालनी होती है, ताकि ये जो ये नीचे वाली साइड होती है ना, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। इसमें आप खट्टी चीज़ कुछ भी डालें, तो जैसे हमारे यहाँ तो चुल्ली के जो छिलके होते हैं, तो चुल्लू, तो उसके मैं छिलके यहाँ इसमें डालूँगा और इसमें पानी डालूँगा, तो आप इसको स्टीम करके अच्छे से पका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब ये पक जाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से बने हैं, तो आपको भी हम ज़रूर बताएंगे कि कितना टाइम लगा इसको बनने के लिए। तो आधे घंटे में ये बन पक कर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पकाने के लिए रख लेते हैं। ये है सर, और इसमें लगाएंगे हम ढक्कन। चलिए दोस्तों, थोड़ा पकाने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से बनता है। दोस्तों ये देख रहे हैं ना आप, ये स्टीमर, तो इसके अंदर हमारे पक रहे हैं सीडू। ये देखिए जी, अब देखिए पकने वाले हैं, तो थोड़े से अभी हल्के से कच्चे हैं, तो अभी इनको पूरी तरह से पकने देते हैं। तो ये देखिए आप, तो आप ये इसी तरह से सीडू बनाइए। तो जब ये पूरे बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं जो आज का हमारा टास्क था सीडू बनाने का। तो हमने कैसे सीडू बनाया है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये बने हैं हमारे सीडू। तो आप लोगों को कैसे लगे हमारे ये वाले सीडू, तो आप ये देखिए, तो ये पककर पूरी तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसके खाने का मज़े लेंगे। तो इसके साथ हम घी और थोड़ी हल्की सी हरी सब्ज़ी, तो हरी सब्ज़ी के साथ इसको खाने का बहुत मज़ा आता है, और घी के साथ। तो आप इसी तरह से अपने घर में सीडू बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आज बनाए हैं सीडू, बहुत अच्छे सीडू है जी। ये देखिए जी, सीडू कैसे बनाए हैं सीडू, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाए। हाँ जी, चलो जी ठीक है। ये देखिए जी, मम्मी को भी अच्छे लगे हमारे सीडू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं। तो जैसे कि आपने आज देखा, तो आज का जो हमारा टास्क था, तो दोस्तों जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, तो आज हमने वो रेसिपी आपको बनाकर दिखाई। तो सिंपल हमने आज सीडू बनाए। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये व्लॉग, तो आप कमेंट करके बताएं। तो वैसे मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता है, जितना मुझे आता था उतना आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कहीं मेरी गलती रही हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अपने एरिया में कौन कौन से फूड बनाते हैं, उसके नाम भी कमेंट में लिखें, और ताकि हम भी उस चीज़ को बनाने की कोशिश करें। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ शाम के समय का व्यू। ये देखिए दोस्तों, शाम के समय का व्यू है कुछ इस तरह का। तो ये आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर थोड़ी देर में बस सूरज भी डूबने वाला है, और इस तरह का कुछ मौसम है अभी। और आजकल काफ़ी अच्छी धूप लगी है, और शाम के समय में तो धूप सेकने का मज़ा बहुत ही है।
तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर अभी थोड़ी धूप सेक रहा था, तो धूप सेकने के बाद मैंने सोचा इस व्लॉग को एंड भी किया जाए, उसके बाद वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है, तो उसके बाद भी व्लॉग भी अपलोड करना होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी। तो इसी तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए और लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इस साइड से सूरज की जो किरण है ना बहुत तीखी पड़ रही है मुँह पर। तो बाय बाय दोस्तों।